नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। इस बार हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, 1.5 साल में नरेंद्र मोदी की दूसरी अमेरिका यात्रा, तो पिछली बार से इस यात्रा को कैसे भिन्न मानते हैं या अलग मानते हैं? देखिए, ये यात्रा कई मायनों में अलग है। एक तो वो उनकी बाकायदा वहां के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने के लिए जो स्टेट विजिट है वो थी, और जिसमें व्हाइट हाउस में उनका बाकायदा सत्कार किया गया, स्वागत किया गया। और उसमें एजेंडा, चूंकि वो प्रधानमंत्री बने थे और ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिनको प्रचंड बहुमत मिला, वो एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको अमेरिका ने लगातार वीजा देने से इनकार किया था पहले, तो वो एक अलग तरह का इतिहास अमेरिका, बराक ओबामा और मोदी जी के बीच में था। और उस गठान को खोलने के लिए, उस संबंध को, दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच के संबंध बनाने के लिए एक यात्रा की गई थी। और उस यात्रा में जिस तरीके की जबरदस्त प्रचार हुआ उस यात्रा का, उसमें आप जानते हैं कि मेडिसन स्क्वायर में भाषण हुआ मोदी जी का, उस दौरान उनके उपवास थे, उसकी भी चर्चा रही। मुझे लगता है वो एक छवि बनाने की, दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिश थी, क्योंकि उसके बाद ये राष्ट्राध्यक्ष एक बार और मिले जब 26 जनवरी को बराक ओबामा मुख्य अतिथि बनकर भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए। और उसके बाद अब ये फिर से तीसरी बार मिले हैं यहाँ पर अमेरिका में। ये यात्रा मूलतः जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है उसमें जाने की तैयारी थी उनकी, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने दूसरी चीजें एजेंडे पर रखी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने सिलिकॉन वैली की, यानी कैलिफोर्निया की, यानी जो अमेरिका का पश्चिमी तट जिसको वेस्ट कोस्ट कहा जाता है, उसकी भी यात्रा की। और ये गौरतलब है कि 1982 में जो हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री की यात्रा हुई है, उसके बाद तो लगभग 32 साल का जो एक अंतराल आया है, उस लंबे वक्फे के बाद एक प्रधानमंत्री हमारा उस तरफ गया है जहां पर कि आईटी हब जिसको कहा जाता है, सिलिकॉन वैली उसको कहा ही इसलिए जाता है कि कई सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां, गूगल हुई, माइक्रोसॉफ्ट हुई, और इन सब कंपनियों के दिग्गजों से मिलने के लिए वो वहां पर गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट तो बहरहाल सिएटल में है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जो लगातार हम चर्चा में सुनते हैं कि आईटी का हब है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बड़े बड़े पदों पर वहाँ काम कर रहे हैं, और अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो दो दिग्गज कंपनियां हैं आईटी की दुनिया की, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, दोनों के ही जो प्रमुख हैं वो भारतीय मूल के हैं, सत्या नडेला और सुंदर पिचाई। तो इस मायने में ये यात्रा अलग है कि इस बार उन्होंने व्यवसाय पर, दूसरे जो तमाम आयाम है अमेरिका और भारत के रिश्तों के, उन पर ध्यान देने को लेकर। और मैं इस यात्रा को महत्वपूर्ण इसलिए भी मानता हूं कि देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थायी सीट है सुरक्षा परिषद की, उसको लेकर भारत लगातार संघर्ष कर रहा है और उसकी मांग बहुत लंबे समय से करता आ रहा है, लेकिन कूटनीतिक स्तरों पर हमें उतनी सफलता नहीं मिल पाई। रूस जो एक समय में हमारा बहुत बड़ा पक्षधर रहा है, जिसने ये तक कहा था कि हमें न केवल सदस्यता मिले बल्कि वीटो की ताकत भी मिले, वो अब उतनी मजबूती से भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। चीन एक बड़ी ताकत बनकर लगातार उभर रहा है, और चीन और पाकिस्तान के बीच में जो आपसी संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है। तो ऐसे में भारत और अमेरिका का करीब आना, भारत और अमेरिका का एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाना निश्चित तौर पर कई मायनों में महत्वपूर्ण है, और उस मायने में ये यात्रा निश्चित ही अलग है, अहम है। इस यात्रा से देश को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो तमाम अन्य यात्राओं को लेकर भी किया जाता रहा है। मुझे लगा है कि किसी भी राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो जब जाते हैं तो उसमें केवल फायदे नुकसान का गणित नहीं होता, कई यात्राएं आपको करनी जरूरी होती है। जैसे संयुक्त राष्ट्र की अगर परिषद की बैठक हो रही है तो उसमें आप निश्चित तौर पर जाएंगे, उसमें आपके विदेश मंत्री भी जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर एक राजदूत की भूमिका भी लगातार हमेशा हर प्रधानमंत्री निभाता है। लेकिन मोदी जी जिस तरीके से मुखर रहे हैं, जिस तरीके के वो आयोजन करते हैं, जैसे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता भी हैं आनंद शर्मा, उन्होंने बहुत सारी तरह के आरोप भी मोदी जी की इस यात्रा को लेकर लगाए हैं। उनका यह कहना है कि दूसरे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष भी तो संयुक्त राष्ट्र की बैठक में गए हैं, और चीनी राष्ट्रपति भी इसी दौरान वहां पर हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी गए हैं, तो इन सब लोगों ने तो अपने मूल के लोगों से वहां बात करने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता है उसमें, और जो भारत के प्रधानमंत्री गए हैं उसमें एक बड़ा अंतर यह भी है कि ये लोग जाते हैं, लगातार जाते हैं, और वहाँ की जो इनकी कम्युनिटी है, वहाँ के जो इनकी देश के लोग हैं, उनसे इनका एक अलग तरह से लगातार संपर्क बना है। भारत एक ऐसा देश है जिसको उस तरह का मुखर मंच, मुखर नेता, मुखर प्रधानमंत्री उनको उस तरीके से मिल नहीं पाया। दूसरा, जब आप कहते हैं कि पिछले 8-10 सालों में बहुत सारा हमारे यहाँ का ब्रेन ड्रेन हुआ है, हमारे यहाँ की जो पूंजी है, सोचने की शक्ति है, तो विचारशील लोग हैं, जो अच्छा टैलेंट है, वो वहाँ पर चला गया है, तो उसको मोदी जी ने एक नया नारा दिया है कि ब्रेन ड्रेन नहीं है, वो ब्रेन डिपॉजिट है। तो हमने
जिन्होंने अपने ब्रेन का डिपॉजिट वहां किया, उन्होंने वहां की नई बातें सीखी और कैसे उसको वापस हिंदुस्तान बुलाया जाए, तो एक नई तरह की कोशिश है। सवाल कई तरह के निश्चित तौर पर हर यात्रा को लेकर उठाए जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है भारत को लेकर अगर एक सकारात्मक सोच है, भारत ही नहीं एशिया को एक मजबूत शक्ति बनकर उभरते हुए देखा जा रहा है, तो उसमें भारत की भूमिका को तय करने के लिए इस तरह की यात्राएं निश्चित ही महत्वपूर्ण होती हैं। नरेंद्र मोदी ने वहां पर अपने भाषण में परोक्ष रूप से कांग्रेस पर निशाना साधा है, बेटी दामाद के भ्रष्टाचार का भी उल्लेख किया है उन्होंने। ये एक ऐसा पक्ष है जिसको लेकर लगातार चर्चा होती रही। इस पक्ष को लेकर मैं निश्चित तौर पर यह मानूंगा कि प्रधानमंत्री जिस तरह की छवि बना रहे हैं, जिस तरह की उनके छवि देश में और देश के बाहर है, उसको देखते हुए इस तरह के जो सम्मेलन है, इस तरह की जो सभाएं हैं, उनको निश्चित तौर पर राजनीतिक कटाक्ष करने से या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि उनकी यात्राओं से ज्यादा बेहतर निष्कर्ष और निचोड़ निकल पाएंगे अगर वो इस तरह के मंचों को भी राजनीति का अखाड़ा बना देंगे, तो उसको सकारात्मक रूप में नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर विरोधियों के जो तर्क हैं, पक्ष हैं, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि जो दामाद वाला हमला है या भ्रष्टाचार वाला, जब आप कहते हैं कि आज से पहले देश में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता था और केवल आपके आने से ही वो भ्रष्टाचार दूर हो पाया है, तो यहाँ पर मैं निश्चित तौर पर मैं मानूंगा कि मोदी जी को यहाँ पर अधिक समझदारी, बड़प्पन और एक समग्र नेतृत्व का परिचय देना चाहिए। वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में इस तरह के दौरों पर नहीं जाते हैं, और खासतौर पर लोग भी उनको उसी रूप में देखते हैं। उन्होंने उनके लिए वोट नहीं भी किया है, उन्होंने उनको उस तरीके का समर्थन शायद चुनावी दौरे में नहीं भी दिया है, तो आज वो उनके पीछे खड़े हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक व्यक्ति आया है जो शायद देश की छवि को, उनके स्वाभिमान को ऊंचा उठाने के लिए काम कर रहा है। तो अगर वो काम कर रहे हैं तो वो काम अपने आप बोलेगा, उनको मंचों से इसका क्रेडिट खुद लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जब वो इस तरह के मंच पर खड़े हैं जहां सैप सेंटर में खड़े हैं, जब आप फेसबुक के मुख्यालय में बैठे हैं, जब आप गूगल के मुख्यालय में बैठे हैं, तो ये एक अलग मंच है, ये निरपेक्ष मंच की तरह इनका इस्तेमाल होना चाहिए, और वहां पर अगर वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में उलझ जाते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि जी कांग्रेस की तरफ से एक और प्रतिक्रिया आई थी कि नरेंद्र मोदी खुद की मार्केटिंग ज्यादा करते हैं। देखिए, ये तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कांग्रेसियों का खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला मामला है। वो बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, मुझे ये बताइए फिर 32 साल बाद किसी प्रधानमंत्री को जो वेस्ट कोस्ट है अमेरिका का, वहां जाने की सुध क्यों आई, जबकि पिछले 10-12 सालों में अमेरिकियों ने वहां उद्यमिता की नई नई मिसालें कायम की हैं, यहां के लोगों ने वहां जाकर बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित की है, वहां पर जाकर अपनी उद्यम और लगनशीलता की वजह से वो बड़े पदों पर पहुंचे हैं, तो भारत में जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ। राजनीति को हम गाली देते हैं, राजनीति को लेकर तमाम तरह की बातें करते हैं, भारत के कॉरपोरेट सेक्टर में जो राजनीति है, भारत के कॉरपोरेट सेक्टर में टैलेंट को आगे बढ़ने के लिए जो अवसर उपलब्ध नहीं है, भारत के कॉरपोरेट सेक्टर में जो टांग खिंचाई का माहौल है, भारत के कॉरपोरेट सेक्टर में जिस तरीके से टैलेंट पनप नहीं पाता लेकिन वही टैलेंट विदेशों में जाकर इतना अच्छे से पनप पाता, उसको दूर करने के लिए क्या कोशिशें किसी ने की है या पिछली कांग्रेस सरकारों ने की, यह कहना तो आसान है कि सारी टेलीकॉम रिवोल्यूशन या इसका सपना सैम पित्रोदा और राजीव गांधी ने मिलकर देखा था, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट कैसे कर पाए, उसको अमल में कैसे ला पाए। कांग्रेस का अगर यह कहना है कि मार्केटिंग करते हैं तो आपको भी किसी ने रोका नहीं था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जब दौरे होते थे विदेश के तो पता भी नहीं चलता था और उसमें से बमुश्किल कोई खबर निकल पाती थी। मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि खबर निकले, लेकिन अगर आप अपनी बात को अच्छे से नहीं कह पाए, प्रभावी ढंग से नहीं कह पाए, और मोदी जी और उनके आसपास के लोग उसको ज्यादा प्रभावी ढंग से कह पा रहे हैं, उसका ज्यादा प्रचार हो रहा है, तो ये तो उनकी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि आप कुछ करेंगे तो उसको बताना भी चाहेंगे। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।